पता है कि क्रोप्स के ग्रुप्स को क्या कहते हैं और दुनिया के 10 सबसे महंगे खिलौने कौन से हैं? आपके मुंह एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है? दोस्तों मैं बताऊंगा आज वीडियो में आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट बॉयंसी मैन। इस वीडियो में आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि आप एक ही चीज़ कहेंगे, सिर्फ एक। ऑब्वियसली मतलब क्या कह सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता इस वीडियो के बारे में कुछ भी। ऑब्वियसली मैन ठीक है। फैक्ट नंबर 10, एक ग्रुप ऑफ क्रोस को मर्डर कहते हैं। जी हाँ, एक ग्रुप ऑफ अलग कौआ है, बॉस ग्रुप है उसका, उसको मर्डर है मर्डर कर। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि आप एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? मैं बताऊंगा ना, आप है ना मेरे संग बने रही, अभी बताता हूँ मैं। और आप अपनी ज़िंदगी में इतना सलाइवा प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो 2 से ज़्यादा स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफ़ी होगा। और एक एवरेज ह्यूमन एक दिन में 1 से 2 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस कर लेता है, और एक मंथ में 730 लीटर, और एक साल में 51,300 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस कर लेता है। और एक एवरेज 70 साल का इंसान बताता हूँ, कहानी से सुनो। चलो एक इंसान था, उसका नाम था बला बला बला, वो 70 साल जिया, तो उसने अपनी ज़िंदगी में इतना सलाइवा प्रोड्यूस कर लिया कि वो 2 से ज़्यादा स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफ़ी होगा। हालांकि 70 साल में अगर आप इतना सलाइवा प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सोचिए उससे ज़्यादा में कितना। 80 साल जी गए भाई, सीधा सेंचुरी स्विमिंग पूल की, 3 स्विमिंग पूल। फैक्ट नंबर 8, एक पोलर बियर एक सिटिंग में 86 पेंगुइन्स को खा सकता है। ये है फैक्ट। जी हाँ, 86 पेंगुइन्स को एक पोलर बियर एक ही सिटिंग में खा सकता है। वाह, इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, तो दोस्तों कहानी सुनो सुनो ठीक है। अफ्रीका का जंगल है, इमेजिन करो अफ्रीका का जंगल, उसमें एक ईगल है, इमेजिन करो उसमें एक ईगल है, और उसको एक डियर मिला, उसने उस शिकार करा उस डियर का और उड़ा के अपने अड्डे पे ले गया। आप सोच रहे होंगे क्या फालतू की बातें कर रहा है, डियर में वो ईगल में इतनी पावर थोड़ी ना जो डियर को उड़ा के ले जाए। तो जी हाँ, यही फैक्ट है कि ईयर में इतनी पावर है कि वो एक डियर को उड़ा के ले जा सकता है। और डियर होता है एक ईच होता है 150 से 300 किलो का होता है, 300 किलो का तो मिनिमम मैक्सिमम होता है। अगर वो 300 किलो के डियर को उठा सकता है तो आपको तो ऐसे उठा लेगा, ऐसे 5-6 ह्यूमन तो ऐसे उठा लेगा ऐसे। कितनी पावर होती है गवर्नमेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन नहीं ईगल, ईगल है कॉमन नहीं है वो ईगल। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है वो खतरनाक दिन कौन सा है पूरे हफ्ते में, जिस दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं पूरी दुनिया में कितने से समय के बीच में? तो वो दिन है खतरनाक, कातिल दिन है मंडे। इस दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं 4 से 10 बजे के बीच में, 4 AM से 10 PM के बीच में। फैक्ट नंबर 5, तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। हाँ, तो विंबलडन एक मैच होता है टेनिस का, उसमें एक प्लेयर को अलाउ नहीं होता कि वो कसम खाए बीच में, ऐसा रूल है वहाँ के, कसम नहीं खा सकता टेनिस प्लेयर बीच में। इतना क्या वियर्ड सा रूल है, बड़ा अजीब सा है भाई। सुनो, कौन कसम खाता है? मैं नहीं खाता। ए बोल हु ईट कसम, फेसबुक का एक ट्वीट सुना बढ़िया सा, इंडिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला पता है क्या है? कसम। सबसे ज़्यादा कसम ही खाई जाती है पूरे इंडिया में, मोस्ट पॉपुलेस्ट फूड। तुमको पता है पूरी दुनिया में एक ही ऐसा शहर है, सॉरी गलती हो गई थी। हाँ, फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया में सेंट लुइसियाना एक ऐसा लौता कंट्री है जिसका नाम एक वुमेन के नाम पे पड़ा है, ऐसा लौता है पूरी दुनिया में। सर्च मार लेना, कोई नहीं निकलेगा, सेंट लुइसियाना ही निकलेगा। डेट्स अ फैक्ट मैन। फैक्ट नंबर 2, तो दोस्तों जंगली सुअर, चलो बताओ पहले सुअर के बारे में आपकी इमेज है क्या, है क्या? अरे मुझे पता है, मैं जानबूझ के गलत बोल रहा था, टेस्ट ले रहा हूँ आपका यार। फैक्ट नंबर 3, सुअर के आपके मन में क्या है? गंदा, गंदगी में रहने वाला खाना, तो जो जंगली सुअर होते हैं ना, यही फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3, तो ये फैक्ट है कि जंगली सुअर अपना खाना धो के खाते हैं। जी हाँ,
ये नहीं कि कबाड़ा सोट आया खा लिया खा लिया, धोखे खाते हैं नकली सोट, पिक्चर में देखो ध्यान से। फैक्ट नंबर टू दोस्तों, बहुत ही अजीब सा फैक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। 7 अमेरिका में 7% मतलब 7% अडल्ट बच्चों को लगता है कि चॉकलेट मिल्क ना ब्राउन काउ से आता है, मतलब काउ ब्राउन है चॉकलेट मिल्क देगी, वाइट है प्लेन देगी, और अगर काउ थोड़ी ज़्यादा वाइट है भाई वनीला निकाल ले ना सीधे। इतनी अकल लेंगे कहते हैं कि ब्राउन काउ से चॉकलेट मिल्क निकलता है उसको, कि चॉकलेट खिलाइए किसी ने भूसे में डाल के, कैसी बात है यार। फैक्ट नंबर वन दोस्तों, जिसके लिए आपने वीडियो चलाई अपना नेट फूका, ये बहुत ज़्यादा घड़ी है, इस फैक्ट के लिए आपने ये चलाई तो बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो चलाने के लिए। तो ये आपके सामने दुनिया के 10 सबसे महंगे खिलौनों की लिस्ट और प्राइस के सम। तो नंबर 10 स्टीफानो कैंटोरी बारबी, प्राइस 30 लाख $25,000, इंडियन रुपये में बताऊँ तो 23,130,427 रुपीज़, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मेरी मैथ ज़्यादा अच्छी है। गोल्ड रॉकिंग हॉर्स $60 लाख। नंबर 8 मास्टरपीस क्यूब रूबिक्स क्यूब, तो यार ये अच्छा लग रहा है ना, ये लगता है कि खिलौना अच्छा सा लग रहा है, ये फिट बैठता है, बाकी सब तो क्या है ये। फैक्ट नंबर 7 गोल्डन मोनोपोली, अरे पता है गलती करती छोड़ो यार, फैक्ट फिर से यार। नंबर 7 गोल्डन मोनोपोली $2 मिलियन। नंबर 6 स्टीव लुइस वटन कर लेना भाई स्पेलिंग बता दे। नंबर 5 शिमेंस्काया सॉकर बॉल $2.59 मिलियन। नंबर 4 लैम्बोर्गिनी एविटर मॉडल कार $4.6 मिलियन, इतनी महंगी। अब सुनो, ये कार मैं 5 साल का था, मम्मी लाई थी मेरे लिए ये, वैसा मत समझना हाँ वो डांसिंग वाली कार आती है ना लैम्बोर्गिनी की, वो अब बात बताऊँ उसमें डायमंड नहीं था एक भी, तभी सस्ती मिली थी, 250 की मिल गई थी एक का, 4.6 मिलियन डायमंड लगाने के, भाई डायमंड उतार के दो ना सस्ती है जो। चलो छोड़। नंबर 3 मैडम अलेक्जेंडर एलोइस कीमत $5 मिलियन। नंबर 2 लुइस एलियल द बर्ड ट्रेनर $6.25 मिलियन। नंबर 1 ध्यान से देखना इस पल को कहीं मिस ना हो जाए, तो नंबर 1 पे एस्टोलेट डॉल हाउस कासल $8.5 मिलियन। चलो मेरे फैक्ट खत्म, पर एक और सुना देता हूँ फनी फैक्ट। तो दोस्तों सुनो, इसमें काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 5, मतलब 10 में से 5 तो लड़कियों के खिलौने, इतनी कम इज्जत रह गई है भाई हमारी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो यार, प्लीज कर दो ना। तो मुझे ये सुनने आई, देखो हमारी लैम्बोर्गिनी और रूबिक्स क्यूब को जरा इस इमेज पे देखो, लैम्बोर्गिनी और रूबिक्स क्यूब देख रहे हैं क्या, अच्छे से डायमंड से सजे हुए, तो ये देखो डॉल हाउस टॉप पे, इतना इतना होगा, इतना होगा, थोड़ा ऊंचा कर लेना हाँ इतना, उसके लिए इतने पैसे। अब आप भी बताओ मुझे कमेंट में, ये बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा, लैम्बोर्गिनी और रूबिक क्यूब या फिर डॉल हाउस, दोनों की पिक्चर देख लो अच्छे से, मोल भाव करो। बाय बाय।